So, hello guys, welcome back. मैं हूं Student FF और आज की वीडियो बहुत ज्यादा ओपिनियन बिकॉज आज की वीडियो में मैंने जो मॉन्टेज अपलोड किया था UMP Contrasos Famosos का जो अपलोड किया था वो मैं आपको आज की वीडियो में ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ओपिनियन वाली आज की वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर देना। और गाइस वनडे शो फीमोरा 11 डाउनलोड करना विद द लेटेस्ट वर्जन, लिंक द डिस्क्रिप्शन, कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, 200 लाइक्स है एम, तो कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की, लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने विंडोज से फिल्मोरा में आने के बाद गाइस सिंपली आपको अपना प्रोजेक्ट जो है, जो आपका गेम प्ले होता है, सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखते तो मेरा गेम प्ले, तो अब इसमें वो जो यूएमपी मेरी वीडियो देखी होगी आपने यूएमपी वाली, तो वैसा वाला हम इफेक्ट इसमें डालने वाले, ठीक है। अपने लेयर पे क्लिक करना, क्लिक करना, राइट क्लिक करेंगे, डिटैच ऑडियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, डिटैच ऑडियो कर देना। करने के बाद आप क्या करना, सिंपल जहाँ पर आप हेडशॉट मारते हो, यहाँ पर जैसे मैंने हेडशॉट मारा, मारने के बाद यहाँ पर सिंपल एक कट लगा देना। लगाने के बाद इतना हम जो पार्ट है कट कर देंगे इसको। अभी आपको सिंपल क्या करना है, एक एक्स्ट्रा लेयर आपको यही वीडियो को स्लोमो करना है, ठीक है। तो आप इस ऐप में मतलब वंडरशिप फिल्मोरा में इसको स्लोमो नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी और ऐप से भी कर सकते हो इसको स्लोमो, तो वहां से आप करके इसको सिंपल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं यहां पर दूसरे ऐप से स्लोमो करके यहां पर मैंने इसको इस पर एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अभी देख सकते हो गाइस सिंपल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो यहां पर देख सकते हो सिंपल जहां पर मैं हेडशॉट मारूंगा, ये स्लोमो वाली वीडियो है, जहां पर मैं हेडशॉट मारूंगा सिंपल वहां पर मैं कट लगा दूंगा। तो यहाँ पर हेडशॉट लग रहा है, कट लगा देंगे एंड बाकी का डिलीट कर देंगे एंड सिंपल इसको यहाँ पर ला के रखेंगे, ठीक है। अभी आपको सिंपल मैच करना है दोनों को, जैसे यहाँ पर आपने मारा था, बाकी थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये नक कर देंगे। अभी देख सकते हो इतना आपको, बस इतना आप कट कर दो, बाकी का डिलीट कर दो, ठीक है। अभी जैसे तो अपना इतना बन चुका है विद स्लोमो, हेडशॉट विद स्लोमो बन चुका है, देखा। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ट्रांजिशन में जाना है, जाने के बाद सिंपल वार्प में जाना, वार्प में जाने के बाद सिंपल ये वार्प एंड जूम का जो ऑप्शन होगा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैरेक्टर पे लगा देना। लगाने के बाद इसका साइज हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं थोड़ा सा हम थोड़ा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे इसको और यहाँ से भी थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो वैसे अभी ये बराबर दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ये आपको देख सकते हो ये है फ्लिकर इफेक्ट, आपको मिल जाएगा पैक में, तो पैक से डाउनलोड कर लेना फ्लिकर इफेक्ट। सिंपल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लाता हूँ गेम प्ले पे एंड यहाँ बाकी का पूरा डिलीट कर देंगे। इतना को लेना है, लेने के बाद गाइस एक फ्रेम आगे जाएंगे हम जहाँ पर ग्रीन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड ग्रीन कलर चूज कर लेंगे। करने के बाद गाइस सिंपल डबल क्लिक करेंगे वीडियो, यहाँ पर आपको सिंपल ओवरले दिखता होगा, ओवरले पे आपको सॉरी यहाँ पर कंपोजिटिंग में जाना है, ओवरले कर देना आपको, ओवरले करने के बाद इसकी ओपेसिटी नॉर्मल कम कर देनी है। अभी आपको सिंपल फ्लिकर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल एक और काम करना है आपको, आपको जाना है इफेक्ट्स में, यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो माइल्ड MILD, करने के बाद ये है माइल्ड इफेक्ट। सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीडियो पे ड्रॉप कर देना है। इतना करने के बाद सिंपल बाकी का लेयर डिलीट करने के बाद सिंपल आपको अपने इफेक्ट पर डबल क्लिक करना है, पोजीशन एक्स पोजीशन वाई जीरो कर दो एंड पोजीशन जेड को नॉर्मल रखो एंड आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है। जब तक हम यहाँ पर फ्लिकर को बंद करते हैं, थोड़ा सा और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है और थोड़ा सा ये भी बढ़ाते हैं, देख सकते हो आपको गाइस थोड़ा सा ये शेक होता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही। तो आपको इसका क्या करना है, सिंपल अपने वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद एनिमेशन पे जाएंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर आ जाओ स्टार्टिंग में, ठीक है। जाने में एनिमेशन में जाने में कस्टमाइज में क्लिक करना है, हम ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका ही सिंपल आपको स्केल जो होता है उसको यहाँ पर क्लिक करके 115 कर दो, ठीक है, दैट्स गुड। अभी आपको सिंपल लास्ट में जाना है, लास्ट में आ जाता हूँ मैं आगे लास्ट में। अब सिंपल आपको यहाँ पर ये जो अंडो का बटन दिख रहा है रिट्राई मतलब बाकी तो उसको डिफॉल्ट का जो बटन दिख रहा है रीसेट का बटन, इस पर क्लिक करना है तो रीसेट हो जाएगा। अब ये सिंपल हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे, तो
सब कुछ आपको दे सकते हो जैसा देखने को मिलेगा। एक और है गाइस, आप उस एक साउंड इफेक्ट है जो कि आप लगा सकते हो यहाँ पर, तो मैं वो साउंड इफेक्ट ले लेता हूँ। तो ये है वो बेस ड्रॉप, तो सिंपल ये बेस ड्रॉप आपको लाना है यहाँ पर लगा देना है। थोड़ा सा हम इसको आगे करके लगा देते हैं और अभी देख सकते हो, हाँ बस अभी आपको सिंपली एक सॉन्ग इसमें लगाना है। ठीक है, तो मैं सॉन्ग ले लेता हूँ। सो गाइस ये वाला सॉन्ग, तो सिंपल मैं सॉन्ग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला लूंगा। लाने के बाद जहाँ पर इसमें बीट है वहाँ पर हम जाते हैं और इतना कट कर देंगे, इतना सा हम डिलीट करेंगे पार्ट और इसको इस यहाँ पर ला लेंगे। बाकी का लास्ट का हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। बस अगर आपको पूरा मॉन्टेज बना सकते हो तो बना सकते हो आप, सिंपल मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये लग चुका है हमारा सॉन्ग भी, अब सिंपल हम इसको यहाँ पर रेंडर कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ चला के। देखा कि इसका दिखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड सेटिंग्स में बेस्ट और 256 और गाइस यहाँ पर वंडरशेल फिल्मोरा 11 में यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया जो कि है HDR का। तो यहाँ पर अगर आप बड़ी वीडियो, ये तो छोटी वीडियो थी इसलिए ये ऑप्शन डिसेबल है, बड़ी वीडियो रही तो आप सिंपल HDR पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इन 4K। तो यहाँ पर वंडरशेल फिल्मोरा 11 लिंक द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड डाउनलोड कर लेना। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू।